मित्रों अपने पति से संतुष्ट नहीं होने पर महिलाएं करती हैं ये गंदे इशारे मर्दों को ये बातें जानना है बेहद जरूरी नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आचार्य चाणक्य के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है चाणक्य को ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि उनकी कई बातें आज भी लोग अपने जीवन में ढालते हैं ऐसा करने वाले हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं चारक के नीति की बातें जानना बेहद जरूरी है दोस्तों आज भागम भाग में हम कई ऐसी बातें भूल जाते हैं जो बेहद जरूरी होती है और उनके बिना हम अपनों को ना चाहते हुए भी ठेस पहुंचा देते हैं ऐसे में चाणक्य नीति का अनुसरण करना जरूरी हो जाता है आचार्य चाणक्य ने अपने नीति में जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कई बातें बताई हैं। कई बार ऐसा होता है कि औरत अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और पति को इस बारे में पता नहीं चल पाता तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पत्नी जब असंतुष्ट होती है तो क्या इशारे करती है दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आचार्य चारक की नीति में महिलाओं के ऐसे इशारों के बारे में बताया गया है जो भी असंतुष्ट होने पर करती है इन इशारों को भाप कर कोई भी पति अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सकता है पत्नी की नाराजगी को दूर करने के लिए नीति की इन बातों का जरूर ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए मित्रों नंबर है बात कम करना दोस्तों तो पत्नी को बातुनी भी कहा जाता है जब पत्नी बहुत खुश होती है तो अपने पति से बहुत ज्यादा बात करती है कभी तो पति को कहना पड़ता है कि बस करो कितना बोल रही हो अगर आपकी पत्नी भी बहुत बातें करती है और अचानक शांत हो जाए तो समझ जाइए कि असंतुष्ट है यानी आपकी किसी बात से वह नाराज चल रही है दोस्तों कम बात करना पत्नी के असंतुष्टि के बारे में इशारा करता है ये संकेत मिलते ही आप अपनी पत्नी से बात करें और जाने की वह बा किस बात से परेशान है, ऐसा करने से वह बा बात आपसे पहले की तरह हो जाएगी और मित्रों नंबर है हर बात पर गुस्सा आना यह सब जानते हैं कि पत्नी के लिए पति कितनी अहमियत रखता है पत्नी अपने पति को कभी नाराज नहीं करना चाहती ऐसे में अगर पत्नी आपसे सुलझाने लगे यानी बात बात पर झगड़ा करे और गुस्सा करे तो समझ जाइए कि वो किसी न किसी बात को लेकर असंतुष्ट है इस इशारे को ध्यान में रखकर आप अगला कदम पत्नी को खुश करने के लिए उठा सकते हैं और मित्रों नंबर तीन है बस अपने बारे में सोचना दोस्तों पत्नी के बारे में कहा गया है कि वो अपने पति की हर जरूरत का ख्याल रखती है अगर आपकी पत्नी अचानक आपसे दूरी बना ले या आपको लगे कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही रही है है, और आपका ख्याल नहीं रख रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह किसी ना किसी बात से असंतुष्ट है दोस्तों हो सकता है कि वह आपकी किसी बात से नाराज हो इसे ध्यान में रखते हुए आपको पत्नी से तसल्ली से बात करनी चाहिए उसकी समस्या को समझकर उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए ऐसा करने से आपकी पत्नी को संतुष्टि मिलेगी और वह फिर पहले की तरह आपसे प्यार करने लगे